इसराइल और हमास के बीच चल रहे जंग में अब तक करीब 2100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के इसराइल पर किए गए हमले के बाद से इसराइल में चारों तरफ तबाही मची है। गाजा पट्टी में इसराइल की वायु सेना ने भी जवाबी हमले किए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने अल फुरकान इलाके में 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान इलाके में ये तीसरा जवाबी हमला है। इसराइल एयरफोर्स के मुताबिक ये इलाका आतंकवादियों का हॉटस्पॉट है। यहाँ हमास अपने हमलों की योजना बनाकर उन्हें अंजाम देता है। बता दें कि 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में इसराइल की वायुसेना ने जवाबी हमले किए हैं, जिसमें अभी तक 900 लोग मारे जा चुके हैं और 4600 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 260 बच्चे हैं और 230 महिलाएं शामिल हैं। गाजा पट्टी में चल रहे इसराइल हमास युद्ध में आज यानी 11 अक्टूबर को पांचवा दिन है। युद्ध में और भी कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार सुबह हमास के खिलाफ चल रहे जवाबी हमले के बीच इसराइल रक्षा बलों ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख मोहम्मद दीफ के पिता के घर पर भी बमबारी की है। बता दें कि इसे आतंकवादी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। हमास पर अपना हवाई हमला जारी रखते हुए इसराइल रक्षा बलों ने बुधवार को घिरे गाजा पट्टी के अल फुरकान पड़ोस में आतंकवादी समूह के 200 से अधिक ठिकानों पर भी हमला किया है।